मेघालय में एक गांव है जहां पर बरगद के पेड़ की जड़ों से एक पुल बनाया जाता है। यह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। इस गांव को पुल की बनाने की खुद प्रकृति ने मदद की थी। प्राकृतिक पुल के लिए नहीं बल्कि यह एक एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में जॉर्डन और ईरान की महिला टीम के बीच हुई फुटबॉल मैच के बाद जॉर्डन टीम के मैनेजर ने आरोप लगाया था कि ईरान की टीम की ओर से गोल करने वाली महिला नहीं बल्कि वह पुरुष था और उसके जेंडर की जांच की जानी चाहिए। ईरान ने ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं। 2015 में ईरान ने अपनी महिला टीम में 8 पुरुषों को शामिल कर रखा था। जो आप 1 लीटर पानी की बोतल खरीदते हैं जिसकी कीमत 20 रुपए होती है, 20 रुपए में आप पानी नहीं बल्कि बोतल खरीदते हैं। दरअसल 20 रुपए की 1 लीटर की पानी की बोतल में आप 0.02 रुपए का ही पानी लेते हैं, बाकी रुपए उस बोतल के लगे होते हैं। जोग सानसान नाम के चाइना के एक व्यक्ति ने बोतल का बिजनेस शुरू किया था जिसका 78 बिलियन अभी तक उसका टर्नओवर है। साथ ही वह दुनिया के 14वें सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। भारत में एक ऐसा हैकर था जिसने इंडिया के रेलवे को चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हैकर का नाम था हामिद अशरफ, जिसने रेलवे के टिकट के लिए खुद का रेड मिर्ची व ब्लैक ट्री के नाम से सॉफ्टवेयर बना रखा था, जिसमें वो रेलवे की बुकिंग साइट को हैक करके करोड़ों का छापा मारता था तथा वह दिन के 10 से 15 करोड़ रुपए तक एक बार छाप लिए थे। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाले हैं जिसके दोस्त के सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। 2 करोड़ रुपए के 49,000 हेलमेट खरीदे तथा उन लोगों को फ्री में बांटा। ऐसी मजेदार फैक्ट और जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।